बाइंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। जय, आप यहाँ पर नेचुरल गैस को कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी पिछले कुछ दिनों की तेजी के बाद कुछ मुनाफा वसूली अब? जी मनीषा, देखिए नेचुरल गैस क्रूड दोनों में मुझे लगता है करंट सिनेरियो में बिल्कुल ही न्यूज ड्रिवन रैली मूवमेंट देखने को मिल रहा है। सो ना यहाँ पे कोई फंडामेंटल्स टेक्निकल्स इतने शॉर्ट टर्म में काम नहीं करेंगे, तो कोई भी ट्रेडर यहाँ पे पोजीशन बनाना चाहता है उसके ध्यान में ये रखना बहुत ज़रूरी है कि रिस्क रिवॉर्ड को वो प्रॉपरली एसेस करके ही यहाँ पे ट्रेड या कोई पोजिशन बनाए। जैसे मूवमेंट है, देखिए कल हम लोगों ने 99.5 डॉलर्स के आसपास देखा क्रूड जाते हुए, नेचुरल गैस में भी मूवमेंट है। और रशिया एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक कंट्री है जहाँ पे क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट 12% क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स रशिया करता है। नेचुरल गैस के लिए गैज़प्रोम एक वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंपनी है जो रशिया बेस्ड है। तो यहाँ पे कोई भी सैंक्शन या किसी तरह के न्यूज़ सैंक्शन रिलेटेड आते हैं तो प्राइसेस में बहुत इराटिक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अगर कोई छोटा निवेशक, छोटा ट्रेडर है तो मुझे लगता है कुछ दिनों तक उसे साइडवेज या अवॉइड करना चाहिए कोई फ्रेश ट्रेड बनाना। कोई थोड़ा सा रिस्क टेकर है तो उसे प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर एसेस करके चलना चाहिए, क्योंकि प्राइसेस में मूवमेंट बहुत वाइल्ड रह सकते हैं जब तक ये मामले पे कोई कंक्लूजन निकल के नहीं आए। ओवरऑल व्यू बुलिश है, बट अगेन ट्रेड विद अ कॉशन।